आपका जो ये प्रोजेक्ट हमें बहुत अच्छा लगा, आज के लगभग 8 महीने पहले विजयनगर में आपके ग्रुप से मैडम अमिता मैडम आए थे विजयनगर, इन्होंने वहाँ समझाया था, लेकिन कुछ समझ नहीं आया था कि आप क्यों तो इकट्ठा कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। और इमीडिएट उसके बाद में जब हमारे ईओ साहब की ज्वाइनिंग हुई तब इन्होंने समझा, इन्होंने समझाया इस काम को करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर कहना चाहूंगा कि किसी भी नगर पालिका का श्रेष्ठ कार्य करने के लिए चेयरमैन, ईओ और जेएन ये कड़ी है। अगर बराबर रूप से आप अगर काम करेंगे तो 100% हर काम को आप अंजाम दे पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने सोच लिया कि काम करेंगे तो कभी ईओ साहब से आपकी बनती नहीं होगी कि साहब नहीं होना चाहिए, और चेयरमैन के अगर है तो साहब गांव की सोचता हूँ मेरे तो कोई भी जमीन नहीं जानी चाहिए। तो ये समस्या है सब जगह। और सबसे पहले हम लोगों ने जो अभी तक प्रैक्टिकली काम किया है, मैडम आए थे आपको सारी जगह दिखाई थी वहां पे कि कौन कौन सी आपको सुटेबल है, तो नगर पालिका क्षेत्र से लगभग जो हमारा आखिरी पड़ाव है और हाईवे को टच करता है वहां हमारा ट्रचिंग यार्ड है, उस जगह हम लोगों ने जगह चिन्हित की और विजयनगर से आधा किलोमीटर की दूरी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जगह एकदम सुटेबल है। और आपने जो बताया था लगभग 100x70 मीटर का आपको इस जगह के लिए टुकड़ा चाहिए होता है, तो वो हम लोगों ने जगह भी चिन्हित की और उसको प्रस्ताव लेकर बोर्ड मीटिंग के अंदर में फाइनलाइज भी किया। उसके बाद जैसे अभी आप सभी ने बताया डीपीआर भी तैयार हुई, सोयल रिपोर्ट भी तैयार हुई, लेकिन इन सब चीज को करते करते हमें लगा कि विजयनगर की जनता को किस तरीके से समझाएंगे कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, आज हम देखते हैं कि शहरों के अंदर में नालियों के पानी से सब्जी उगाई जा रही है, ये सब चीज किया जा रहा है, क्या वो कहाँ तक सही है, और जो अब मल इकट्ठा कर रहे हैं उससे अगर खाद बीज बना के अपन बोल रहे हैं उससे अगर साग सब्जी तैयार की जाएगी या उगाई जाएगी तो वो सही है या नहीं है, तो उस चीज को समझते हुए हम लोगों ने अभी बेंगलोर की मीटिंग के बाद में विजयनगर के जितने भी प्रबुद्ध जन है उनसे जनरली पब्लिक की मीटिंग की, सबको इनवाइट किया, जो भी खुला आना चाहता है उनको ईओ साहब ने भी आधे घंटे के लेक्चर के अंदर में हम लोग जो जो चीज देखी है उनको बताया, बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने पुटअप किए और हम लोग जहां तक हो सकता था उनका जवाब भी दिया और किसी भी तरीके से उनकी समझाइश में कोई कमी नहीं रखी। तो आज उनको मोटिवेट किया कि आज आपके घर घर से जो मल है उसको इकट्ठा करके जो गंदगी है पहले अपन जंगलों में होती थी आज अपन घर के अंदर में उसको रख के बैठे हैं, तो इसका रीयूज हो जाए और कहीं ना कहीं काम आ जाए तो उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो समझ में आई बात, एक चीज पूरी हुई। उसके बाद में इससे पहले हम लोगों ने जो विजयनगर में जितने भी या जहां भी है, क्योंकि मकान बनाने के लिए निर्माण स्वीकृति तो नगरपालिका दे देगी लेकिन बनाने के लिए मिस्त्री ही काम आएगा, तो उस मिस्त्री को समझाना है कि आप मकान किस तरीके से बनाओगे, वहां सेवरेज टैंक जो भी अपन बना रहे हैं वो कैसे बनेगा, उसके अंदर में बताया भी गया था कि किस तरीके से बनना है, शायद अभी आप लोग ही बताएंगे आगे कि वो सेफ्टी टैंक जो है कैसे बनेंगे, तो वो चीज उनको समझाई, कम से कम 4 घंटे का वहाँ लेक्चर था आपका, वो उन लोगों ने देखा समझा, उनको भी अच्छा लगा कि आज हमें आप कोई नई टेक्नोलॉजी बता रहे हैं तो उसका 100% बेनिफिट हो गई होगा। इसके बाद अभी जब बेंगलोर गए थे तो सीडी सोसाइटी से हमें बताया गया कि 10 साल का जो रखरखाव है उसका लगभग 4.25 करोड़ रुपए, उसके अंदर में 70 लाख रुपए जो आज की तारीख में जो 100x700 मीटर के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन एरिया है या जो भी वहाँ इक्विपमेंट्स जो भी लगने हैं उसकी कॉस्ट 70 लाख, और उसके बाद कंटिन्यूस उसको 10 साल तक रखरखाव भी अपने को करना जरूरी है, नहीं तो कोई भी एनजीओ या जो कर पाए या नहीं कर पाए एक बार बना के छोड़ दिया तो उसका भी यूज नहीं। 10 साल तक तो जहां तक मैं समझता हूँ हर आदमी की आदत हो जाएगी कि आप आओ इसको साफ सफाई करो और इस मल को लेके जाओ, तो जब डिमांड आ जाएगी तो ऑटोमेटिक काम करने में फिर अपने को तकलीफ भी नहीं होगी। इसी के साथ हमने एक चीज और की है, अभी जेएसजी ग्रुप है, लायंस क्लब है, रोटरी रोटरैक जितने भी ग्रुप है समूह है, मैं देखता हूँ हमेशा हर महीने हमारे वहां तो लगभग 15-20 दिन या महीने के अंदर में तो एक बड़ा खाना हो ही जाता है, 1500 इकट्ठे और खाना किया, और ये स्थिति सब जगह अजमेर भिलवाड़ा टोंक कोटा शहर सभी जगह होती ही होती है, तो मैं खुद मेंबर हूँ उसमें और अभी भी परसों मीटिंग हुई थी उसके अंदर में भी पूरा उनको सब समझाया, और जितनी भी महिलाएं वहाँ उस ग्रुप में जुड़ी हुई थी उनका स्पेशली एक अलग कॉन्फ्रेंस रखी मैंने खुद ने, उनसे बातचीत की कि अगर अपना शहर आप अपने आप को सुंदर रखते हैं, अपने मोहल्ले को सुंदर रखते हैं, घर परिवार सब चीज ठीक है, अपना शहर सुंदर क्यों नहीं, तो उनको चीज अच्छी लगी और 100% उन्होंने सर्वसम्मति से भी, अगर एक ग्रुप ये सोच के हाथ ऊपर खड़ा करता है कि अपने गांव की व्यवस्था ये होनी चाहिए तो डेफिनेटली हर घर घर तक ये बात हम लोगों ने पहुंचाई है और हमें सब जगह से पूर्ण सहयोग मिला है। इसके साथ ही अब सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी जैसे अभी सेवरेज की अभी जैन साहब ने पहले बताया था, जहां तक मैं समझ सकता हूं कि आज हमारा शहर 2019 में 100 वर्ष उसको पूरे होंगे, अगर आज की तारीख में उस शहर को हम लोग तोड़ के या सेवरेज के लिए सड़कें वगड़ के
नहीं समझ पाऊंगा कि वो कंप्लीट हो पाएगी, लेकिन अभी जिस रूट से पानी बह रहा है और उसकी कॉस्ट भी हमने सीडीडीए ग्रुप से माध्यम से मालूम किया था, उन्होंने बताया था 1000 लीटर की कॉस्ट 30000 रुपए वन टाइम कॉस्ट है ये। तो आज जो पानी निकल रहा है और उसके अंदर में मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ी भी जगह नहीं चाहिए, जितने एरिया में अपन खड़े हैं ये एरिया सफिशियंट है, 100x100 फिट का प्लॉट भी अगर अपने पास में है तो उसके अंदर में ये व्यवस्था हो सकती है। और उसके अंदर में जो भी उनका डायग्राम नक्शा है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहां लगे और उसके पानी से खर्चा वन टाइम अपन ने कर दिया, वो पानी जो इकट्ठा होगा उसको किस काम में लेंगे? अगर आपके आगे खेती का क्षेत्र है तो आप उसको सप्लाई कर सकते हैं आगे, या फिर आपके शहर में ऐसी कोई जगह 8-10 बीघा लैंड है जहां अपन लेक बना सकते हैं, जो हम लोग अभी बैंगलोर देख के आए थे और उसके बाद इमीडिएट बोर्ड मीटिंग ली और 2 करोड़ रुपए तक की लागत का हम लोगों ने प्रस्ताव भी पारित किया कि यहां लेक बनाएंगे, इसकी खुदाई करके यहां पेड़ पौधे लगाना करना और जो भी व्यवस्था है। अब इसकी इनकम के बारे में सोचा कि भाई उस पानी को बेचे करें तो क्यों, तो उस पानी के बीजनगर 2-3 किलोमीटर का दायरा है, अगर कहीं पे भी पीसीसी की पाइपलाइन बिछाते तो कोई बड़ी कॉस्ट नहीं आएगी, गली गली से जो पानी इकट्ठा हो रहा है उस पानी को भी लेक में लेके आएंगे और उसके अंदर में चाहे तो झील के तौर पर लेते हैं तो उसमें बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, आपके सौंदर्यकरण का पार्ट बढ़ जाता है। दूसरी चीज 2 बीघा मछली पालन केंद्र या जो भी वहां के हो सकते हैं उनको अपन एक छोटा छोटा टुकड़ा पार्टीशन करके पूरा तालाब भी गंदा नहीं करें, लेक भी गंदी नहीं करें और वो सारी व्यवस्था उसके अंदर में हो सकती है। तो ये चीज तो एक मानसिक तौर पर, मैंने कोई क्लास या किसी चीज को सोचते हुए नहीं, एक हमारी सोच थी, उसके अंदर में हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब सहदेव सिंह जी कुशवा इनकी एक शुरू से सोच थी कि अपने शहर के अंदर में एक झील तो होनी ही चाहिए। तो शुरू से बोर्ड मीटिंग तो हमने हजार लिए सब कुछ किया है पर ये प्रस्ताव अब जाके हमारे अमल में हुआ है। हमारे पार्षद महोदय ब्रज जी तिवाड़ी जिनका अहम भूमिका रही है पूरे विजयनगर को ODF कराने में और जितनी भी ये व्यवस्थाएं हैं उनकी मिस्त्री की मीटिंग लो चाहे कुछ भी लो, मतलब अगर कोई चीज को दिमाग में ठान लिया तो 100% करने के लिए सब चीज छोड़ के हम अभी केवल इसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं और इसको पूरा अंजाम देके हो सकता है राजस्थान में सबसे पहला फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट विजयनगर में लगे और आपको तैयार करके दिखाएं। जय हिंद जय भारत।